इस चौके के साथ 7 विकेट से इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने जीता 2-0 से इस T20 श्रृंखला को। हेलो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने इतने ऐड में बोल दिया कि हम लोग बेबी सिटिंग करेंगे और तुम भाई देख लो, मरवा मत देना यार। T20 तो हो चुका है, अब बारी है ODIs की। देखिए पेटीएम ODI ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ODI 2 मार्च शनिवार दोपहर 12:30 बजे लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन लगभग रात के 9 बजे भारत लौटा है, लेकिन पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने पहले विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने में बिना वजह देरी की। आपको बता दें कि पहले पाकिस्तान ने सुबह 10 बजे तक अभिनंदन को भारत के हवाले करने की बात कही, लेकिन अपनी बात पर वो खरा नहीं उतर सका। इसके बाद उसने दोपहर 2 बजे का वक्त दिया, लेकिन इस बार भी उसने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को नहीं सौंपा। फिर पाकिस्तान ने बीटिंग द रिट्रीट के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को सौंपने की बात कही, लेकिन इस बार भी उसने अपनी नापाक चाल चली। आपको बता दें कि भारत ने अभिनंदन की वापसी के मद्देनजर बीटिंग द रिट्रीट को भी रद्द कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को वाघा से 8 किलोमीटर पहले बाटापुर सैन्य कैंप में रोक लिया था, तो वहीं पूरा हिंदुस्तान पायलट अभिनंदन की वतन वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वाघा बॉर्डर पर विंग कमांडर अभिनंदन के स्वागत के लिए काफी संख्या में लोग जमा थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है, उसने कभी भी अपना वादा नहीं पूरा किया। पाकिस्तान हर मसले पर हमेशा से ही झूठ बोलता रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन समेत 2 भारतीय पायलटों को पकड़ने और 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने का झूठा दावा किया था। हालांकि बाद में उसने अपने बयान से यूटर्न लिया और कहा कि उसके कब्जे में सिर्फ 1 ही भारतीय पायलट है। इसके बाद पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर सौदेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन भारत राजी नहीं हुआ और पाकिस्तान को भारत के दबाव के आगे झुकना पड़ा। वहीं भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को उसे बाद में रिहा करना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले 28 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए बताया था कि भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़ दिया जाएगा। भारत की सख्ती और पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहे दुनिया के ताकतवर देशों के दबाव के चलते पाकिस्तान को आखिरकार भारत के सामने झुकना ही पड़ा और भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को वापस उन्हें सौंपना ही पड़ा। दरअसल पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों के चलते इस वक्त पूरी दुनिया से अलग थलग हो चुका है। कोई भी बड़ा मुल्क पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं है। अब तो चीन ने भी पाकिस्तान को